हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। ये वीडियो जो अभी स्टूडेंट 10th से 11th में मूव करने वाले हैं और जिन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज करी है, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम 11th क्लास। आपको 11th क्लास से ही नीट की प्रिपरेशन करना मतलब एक आर्ट है, एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लान है, जो स्मार्ट तरीके से जब आप उसको अडॉप्ट करोगे तब ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी और आप सेलेक्ट हो सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो ये क्या आर्ट है, ये क्या कला है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए लगे हुए हैं रेस के अंदर, लाखों स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन सफल वही होते हैं, क्रैक वही करते हैं जो अपनी जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा करने के लिए एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, स्मार्ट प्रिपरेशन। ये सर स्मार्ट प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, आपका सवाल हो सकता है। तो इसके लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका डेडिकेशन और दूसरा प्रॉपर गाइडेंस, है ना। तो गाइडेंस कहां से मिलेगा, वो हमसे मिलेगा। डेडिकेशन कहां से होगा, वो आपकी तरफ से होगा। तो जब दोनों चीजें मिलेंगी तो ऑटोमेटिक आपको जो सफलता है वो आपके हाथ लगेगी, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो हम देखना चाहेंगे कि सर ये जो स्मार्ट प्रिपरेशन होती है वो किस तरीके से होती है। ओके, आपको सबसे पहले नीट एग्जाम के रूल पता होने चाहिए, मतलब आपको उसको सिलेबस पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि आपको बहुत अच्छी तरीके से नीट के अंदर 11th और 12th क्लास की जो पढ़ाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनके सिलेबस का क्या मांजरा है, क्या क्या चीज आती है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उस सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं हर चैप्टर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उनका वेटेज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आपको उसी तरीके से पढ़ना है, उन्हीं चैप्टर को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है जिनका वेटेज ज्यादा हो, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ये चीज अगर आप देख लेते हो तो आपको उस नीट एग्जाम की फितरत पता लग जाती है, रूल्स रेगुलेशन पता लग जाते हैं, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को खेलने के लिए प्रिपेयर कर लेते हो। यस और नो, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बोलेंगे सर सिलेबस हम कहां से देखें, तो सिलेबस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, वहां से आप लिंक को क्लिक करिए और सारा सिलेबस आप देख लीजिए। ओके, फर्स्ट थिंग, चलो जी सर हमें सिलेबस पता लग गया, रूल्स रेगुलेशन पता लग गया नीट एग्जाम के, हम रेडी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब आपके पास में क्या है, अब आपके पास में जैसे हर गेम के अंदर क्या आता है, फेजेस आते हैं, नहीं आते हैं, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री। तो ऐसे ही आपके पास में खेलने के लिए यहां पर तीन सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब इन तीनों को किस तरीके से खेलना है, इन तीनों सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक फितरत है, तो उसको हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपको लिखा गया है व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो व्हाट टू स्टडी और हाउ टू स्टडी में वही फर्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ये जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये रामबाण है, यही सब कुछ है। यानी कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है, जो डायग्राम दिए गए हैं, जो डायग्राम की लेबलिंग दी गई है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बातें लिखी गई है, मतलब एक एक वर्ड, इवन उसकी समरी वो भी नहीं छोड़नी है, उसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। मतलब आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरा चार्ट जाना है, इतना भयंकर लेवल से उस एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ना ही ओनली पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के साथ साथ में उस टेक्स्ट बुक के कंटेंट से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी गई जो चीजें हैं उसी कंटेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि नीट एग्जाम में तो एमसीक्यूज आते हैं, तो उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है आपको। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने लग जाओगे उसके बाद टाइम के बाद में उसको वापस रिवाइज भी करना है, तो आपको ना ओनली पढ़ना है, लॉन्ग टाइम तक उसको ब्रेन में रिटेन भी रखना है। इसके लिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टू टाइम रिवीजन, ओनली एक बार रिवीजन नहीं, इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ता है बायोलॉजी को, और फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको वापस देखना पड़ता है, तब जाकर के बायोलॉजी आपके ब्रेन के अंदर जगह बना पाती है, और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में और विद इंफॉर्मेशन के साथ में, इस तरीके से बायो को प्रिपेयर करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी बायोलॉजी के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर हम क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें, हमारे पास में एनसीईआरटी तो आपको थ्योरेटिकल कंटेंट के लिए हो गई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम, तो आपके लिए एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और उसको आप जरूर फॉलो करिएगा, जैसे एनसीईआरटी थ्योरी के लिए हो गया, और दूसरा है बीट द नीट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स इस बुक को पढ़ो, जैसे आपकी ये तो 12th स्टैंडर्ड की है, 11th स्टैंडर्ड की है, तो इस बुक के अंदर चैप्टर्स को टीचर से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, और उसके बाद इस एमसीक्यूज वाली बुक से आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस को रखती है ना, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा के देगा। ये हुई बात बायोलॉजी की। अब
अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। अब बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, न्यूमेरिकल्स। अब आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, अब एक सीन बताइए कि सर फिजिक्स में क्या ओनली न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर समझ में आने लगता है तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरी दुनिया में नहीं है, और अगर नहीं समझ में आता है तो इससे बड़ा सरदर्द भी नहीं है। तो आपको सरदर्द नहीं बनाना है। जिसने इसको सरदर्द बना लिया वो कभी भी नीट एग्जाम के अंदर पास नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। नीट के अंदर अगर बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छा डॉक्टर अगर आपको बनना है तो फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। नो डाउट स्टार्टिंग में फिजिक्स आपको परेशान करेगी, आपको बॉक्स देगी, एक तीन चार यहां से डुक मारेगी, तो फिजिक्स इतना परेशान करेगी कि आप इससे कहोगे मैं तो नहीं कर रहा इससे, लेकिन उस मोमेंट पर हारना नहीं है। टीचर से पूछ के एनालिसिस करके कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है, इन सभी प्रॉब्लम्स के डेप्थ में जाकर के उस फिजिक्स को पढ़ना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें लगती है वो सब समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है वो बहुत अच्छी रैंक की तरफ में बढ़ जाओगे अगर फिजिक्स अच्छा कर लोगे तो। ओके तो फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लेना है स्टूडेंट्स। मैं फिर कहता हूं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, लेकिन आप हारना मत, ठीक है, उसको समझ के ही मानना, करेक्ट। चलिए जी सर इनके लिए बुक्स वगैरह क्या है, तो इनके लिए बुक्स वगैरह के लिए हमने वीडियो डाल रखा है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप उससे देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत मस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए भी। ओके अब बात करते हैं हम सर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको पता है तीन पार्ट में डिवाइड होती है केमिस्ट्री, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन पार्ट में केमिस्ट्री होता है, तीनों की फितरत अलग अलग है, तीनों के लिए अप्रोच भी अलग अलग है। तो राइट अप्रोच के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में नाम आ गया, तो फिजिक्स में जैसी अप्रोच रखते हो वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा, जैसे फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस इज मस्ट, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा निखरते जाओगे। तो यहाँ एमसीक्यूज के ऊपर दबाव रखना है, प्रेशर रखना है फिजिक्स के अंदर भी और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। कंसेप्ट तो आपको टीचर्स पढ़ा ही देंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके अब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बायोलॉजी से रिजेंबल करती है। जैसे आप बायोलॉजी के अंदर कंटेंट को ज्यादा फोकस करते हो, उनको रिटेन करने की कोशिश करते हो एमसीक्यूज के थ्रू, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आपका नीट का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे, और आप नीट के पेपर्स भी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल स्टिक रहना है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर और उसमें लिखा गया सारा कंटेंट, जैसे बायोलॉजी में आपने चाटा था वैसे इधर भी चाट जाना है, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है और इसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रखना है दिमाग में, तब जाकर के ये अच्छे नंबर दे पाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जादू है, जादू। जादू कैसे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे बन जाएगी सर, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या ऐसे एक सीक्वेंस में होती है, ये ब्लॉक ये अगर क्लियर है तो सेकंड ब्लॉक आपका क्लियर होगा, अगर ये क्लियर नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अच्छा सर ठीक है हमने ये वाला ब्लॉक क्लियर कर लिया, बीच वाला, इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक, अरे भाई इस ब्लॉक में ओनली ये प्रीवियस ब्लॉक काम नहीं आएगा, उसके पीछे वाला भी काम में आएगा। मतलब आप जब आगे की तरफ में बढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पीछे पड़ी हुई सारी चीज आगे वाले के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो एक दूसरे से सारी चीज लिंक होती है वेब की तरह। और जब आपको एक बार ये चीज समझ में आ जाती है, जैसे होता है ना कि जितना ज्यादा मुश्किल पासवर्ड होता है उसको क्रैक करना उतना ही आसान होता है क्योंकि उसके अंदर एक ट्रिक होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ही है, एक बेसिक ट्रिक है। इसको स्टार्टिंग से इसमें इतना ही याद रखो कि आप बिल्कुल बेसिक से ही उसको पढ़ना चालू करो, है ना, और ये चीज पढ़ लिया तो भूलो मत, ये आगे काम में आएगी। तो इस स्ट्रेटजी से एक प्लान के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करना पड़ता है, और एक बार अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे क्रैक होगी तो मैं आपको स्टूडेंट पर्सनल बात बता रहा हूं मेरी, ये लीडिंग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऑर्गेनिक को पिक कर पाना, उसके जो अंदर की जो स्ट्रेटजी है उसको ब्रेक कर पाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिसने ब्रेक कर लिया ना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आप कंपटीशन में क्या करके लीड ले लिया, नहीं ले लिया आपने तो आपको ये लीड दिलवाता है और आपको कंपटीशन में आगे रखवाता है। तो मेरा तो बहुत फेवरेट था, आप स्टूडेंट्स आप भी अपने आप को इस सब्जेक्ट को फेवरेट बनवाइए अपने लिए और आप आगे बने रहिए नीट में, ठीक है। चलिए जी ये थी बात केमिस्ट्री की और फिजिक्स की और बायोलॉजी की। मतलब हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी और सब्जेक्ट को किस तरीके से किस अप्रोच से पढ़ना है। ओके चलिए जी
इसके बाद क्या चीज है सर? नोट्स। सबसे बड़ी सरदर्द स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। अभी जैसे आपको अभी मेरा वीडियो देखते हुए भी लगेगा कि सर आपने सारी बातें तो बुक से बताई हैं, तो हम फिर नोट्स क्यों बनाएं? देखो क्या होता है, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि नोट्स में क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है और कब लिखना होता है। एक्चुअली नोट्स बनाना एक तरीके की आर्ट है और एक बहुत फाइन आर्ट है, मैं तो ये कहूंगा कला है, तो इसको सीखना पड़ेगा। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी बात लिखनी चाहिए, कितनी लिखनी चाहिए, ये चीज मैं मानता हूं कि आपको स्टार्टिंग से नहीं आएगी, आपको गाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी टीम ने एक नोट्स बनाने के लिए एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है, एक अच्छे नोट्स बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और क्या बात लिखनी होती है, तब जाकर के एक स्मार्ट नोट्स आपके साथ में आपके हाथ लगते हैं और बनते हैं। अब आप बोलेंगे सर चलो नोट्स बना लिए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, पर्पस क्या है, इनका यूज कहां पर होगा? तो ये नोट्स जो होते हैं वो आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ जो रिवीजन में हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर का सब चीज लिखा हुआ उसमें, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनने चाहिए, जिसमें आपको एक लीड मिल जाती है, उसके आगे की चीज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुस जाती है, ऐसे नोट्स होने चाहिए। तो हालांकि हम आपको बताएंगे नोट्स के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, 11th स्टैंडर्ड से ही आप नोट्स बनाना सीख लीजिए और इस तरीके से नोट्स बनाइए कि 11th स्टैंडर्ड का काम 11th में ही निपटा लो और 12th स्टैंडर्ड का काम 12th में रहने दो। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है हमारा कि आप स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीखने में ही पूरा 11th बर्बाद कर देते हो और फिर 12th में जब आप जागते हो तो 11th को भी वहां पे क्लियर करना पड़ता है, तो दो दो सब्जेक्ट, दो दो क्लासेस का बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता है। तो ये कोई स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है नीट में सेलेक्ट होने वाला। नीट में सेलेक्ट होने वाला बेटर स्टूडेंट वही होता है जो उस क्लास का काम उसमें ही कर ले और स्ट्रेटेजिक वे में, स्मार्ट वे में करे। इसीलिए तो हम आपको ये वीडियो लेकर के आए हैं कि 11th का काम 11th में ही कंप्लीट कर लो, 12th पे मत डालो, वहां 12th पे वैसे ही बहुत सारा बोर्ड का वजन रहता है और आगे नीट का एग्जाम आने वाला होता है, तो 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको उसमें ही रहने दो, वहां बर्डन मत डालिए। ओके, चलिए नोट्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लास्ट में करेंगे, सर सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट देंगे जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आपने छोटे मोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए है ना, फिर जैसे एक यूनिट कंप्लीट हुआ, मान लो 11th के अंदर बायोलॉजी का एक यूनिट कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, केमिस्ट्री का भी एक यूनिट कंप्लीट हो गया जिसमें जो भी चैप्टर्स थे। अब आप बोल रहे हैं कि सर यूनिट वाइज टेस्ट नहीं दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूंगा, तो ऐसा कभी मत करिए स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर 12th के बाद में जब पूरा नीट का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस वाइज टेस्ट देंगे लास्ट में 12th के अंदर। पागल हो गए हो, इतने टाइम तक तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं होगी आपकी, वहां टेस्ट देने के लिए बैठोगे तो वो किस तरीके से टेस्ट देना चाहिए, कम टाइम के अंदर कैसे एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस आपको टेस्ट से ही आती है और टेस्ट आपको चैप्टर वाइज से स्टार्ट करना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स आपको एक सीक्वेंस बताता हूं टेस्ट का, सबसे पहले है चैप्टर वाइज। ओके, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके चैप्टर का जितना भी ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए उतने ही टाइम के अंदर, ये होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज के बाद में आपको देना है यूनिट वाइज टेस्ट। जब बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाए, मान लो 4-5 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, चैप्टर कंप्लीट करते हैं फिर यूनिट बन गई, तो फिर उन्हीं कोलैबोरेटिव चैप्टर्स का एक यूनिट का एक टेस्ट पेपर होता है, उस यूनिट वाइज टेस्ट को दो। ठीक है, यूनिट वाइज होने के बाद में क्या आएगा, हाफ सिलेबस। हाफ सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट के अंदर कुछ यूनिट्स कवर होंगी, हाफ यूनिट्स उस टेक्स्ट बुक की, एंड देन फाइनली आपको क्या देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 11th स्टैंडर्ड की पूरी बुक्स खत्म हो जाए तो 11th का पूरा सिलेबस का टेस्ट दे दो। ये एक्चुअली मैंने नीट के वाइज नहीं दिया आपको, ये जो टेस्ट पेपर है वो 11th के वाइज मैंने बताए आपको। ठीक है, फिर जब 12th में आओगे तो वहां पर भी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फिर हाफ बुक ऑफ 12th एंड देन फुल बुक ऑफ 12th, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या होगा, 12th का फुल सिलेबस और 11th का फुल सिलेबस, इन दोनों को अटैच कर दो तो ये आएगा नीट का फुल सिलेबस। तो नीट के जो टेस्ट होते हैं, जो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, ये बाद में देने हैं आपको 12th होने के बाद में, लेकिन अभी 11th स्टैंडर्ड में तो आपको यही करना है कि 11th को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जितने भी टॉपिक्स आपने हमें बताए, जो भी स्ट्रेटेजी आपने बताई, ये अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं
तो 11th स्टैंडर्ड का काम 11th में ही हो जाएगा, और क्या हमारी स्टडी स्मार्ट हो जाएगी क्या? तो बिल्कुल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, और 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसा करोगे तो और भी अच्छा करने वाले हो, और अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करते करते 11th और 12th का पूरा मिक्स पढ़ाई आपके हाथ में रहेगी, और नीट एग्जाम को क्रैक करने से, नॉट इवन क्रैक, बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और डॉक्टर बनने का सपना जो अभी आप लेकर के बैठे हो वो जरूर पूरा होगा स्टूडेंट्स। तो बस फॉलो करिए इसको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस और चाहिए स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपके द्वार पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।